मसाला। वेलकम बैक इन अवर न्यू ब्लॉग, और फिर से आपका दोस्त सुहेल आजमी आपके साथ है। और गाइज, आज का जो ब्लॉग है ना, एकदम बिल्कुल यूनिक सा ब्लॉग होने वाला है और काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। बिकॉज जब भी हम लोग शाम में मतलब घर से बाहर निकलते हैं, तो बाहर में कुछ ना कुछ फास्ट फूड आइटम या स्नैक्स वगैरह ट्राई करने का जरूर सोचते हैं, जरूर खाते हैं। क्या हो गया ऐसे में, मतलब कुछ यूनिक आइटम आपका के बारे में आपको बताया जाए, यूनिक से स्नैक्स के बारे में आपको पता चले। बस आज मैं एक अपने शहर मुजफ्फरपुर के एक ऐसे स्टॉल को कवर करने आ गया हूँ, एक्सप्लोर करने आ गया हूँ ना। पीछे आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है स्पाइरल पोटैटो, जो कि अपने शहर मुजफ्फरपुर में ये फर्स्ट स्टॉल है जो कि यहाँ पे ओपन किया गया। और ये बिल्कुल फर्स्ट स्टॉल है, एकदम एक्सक्लूसिव सा वीडियो ये होने वाला है। सो यहाँ पे चलेंगे, देखेंगे कि इस टाइप का आइडियाज़ भैया के पास कैसे आए, क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हम लोग देख रहे होते थे कि अलग अलग शहर में अलग अलग सिटीज़ के जहाँ पे स्पाइरल पोटैटो का कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे इस तरीके से बेचे जाते हैं। सो गाइज, ये कुछ बढ़िया से स्टॉल है यहाँ पे लग गया है अपने शहर मुजफ्फरपुर में। लोकेशन की बात करें तो ये है अपने शहर मुजफ्फरपुर के क्लब रोड मिठनपुरा 929 सुपर मार्केट के जस्ट अपोजिट साइड में ये आपको स्टॉल दिख जाएगा। तो अभी चलते हैं यहाँ पे, देखते हैं किस तरीके का सेटअप वगैरह और क्या कुछ यहाँ पे सर्व करते हैं और किस तरीके मेकिंग प्रोसेस वगैरह सारा कुछ आपको देखने मिलेगा। तो ब्लॉग में बने रहिए, लेकिन चैनल पे पहली बार आए हो या फिर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया ना भाई साहब, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल। सेटअप है यहाँ पे, अब देखिए पोटैटो को इस तरीके से काटा जाता है। हाँ, ये देखिए फॉर्चून ऑयल का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, यानी प्योर इन्होंने हाइजीन का पूरा ख्याल रखा है और आपकी सेहत के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। ये देखिए आलू भी जो है, ये नॉर्मल आलू से काफ़ी डिफरेंट लग रहा है। अगर आप लोग को इसके बारे में पता होगा तो कमेंट करके बताइएगा कि ये कौन सा आलू है, लो मॉइस्चर वाला है ना। ये क्या है? ये हमारा सीक्रेट मसाला। ये क्या है? ये क्रम है। गाइस, यहाँ पे आपको टू टाइप्स ऑफ स्पाइरल पोटैटो मिलेंगे, एक तो नॉर्मल वाला होगा और एक चीज के साथ में होगा। कुछ इस तरीके से सेटअप है इनका और यहाँ पे ये सारा कुछ प्रिपेयर किया जा रहा है। और ये है इनका सीक्रेट मसाला, जिसको वो स्पाइरल पोटैटो में डालते हैं और यहाँ पे फ्राई किया जा रहा है। और प्योर इन्होंने साफ सफाई का ख्याल रखा है, प्योर हाइजेनिक तरीके से इन्होंने बनाया है। और कुछ इस तरीके का इनका चटनी का सेटअप है। और सबसे अच्छी चीज मैं दिखाऊं तो ये जो चटनी है, और ये चटनी इनके माँ के हाथ का बना हुआ है गाइस। तो माँ के हाथ का खाना यार, मतलब जवाब ही नहीं उनका टेस्ट। सो मैम पहले हाई कर दीजिए, और कैसा लग रहा है ये? अरे बिल्कुल बिल्कुल, ये तो न्यू है टाउन में, लेकिन लेवल वाइज टाउन वाइज बिल्कुल अच्छा है। टेस्ट वाइज एकदम बहुत ज्यादा क्रिस्पी है और बहुत ज्यादा टेस्टी है। इसका मजा तो बिल्कुल लेना चाहिए, इसका मजा नहीं लिया तो क्या लिया। गरम गरम बिल्कुल बहुत अच्छा है, इसको घर पे लेके मत जाइए, गरम गरम ज्यादा मजा आएगा, हॉट एंड क्रिस्पी। और आपके लिए टेस्ट वाइज बहुत अच्छा है। मैंने होटल मैनेजमेंट कर रखा है। अच्छा, ठीक है। पुणे, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, जमशेदपुर से मैंने किया है। अच्छा, हर जगह मैंने ट्राई किया। दो तीन महीना बहुत दिन से बेरोजगार था। अब वैसे भी मोदी जी ने बोल ही दिया है कि पकौड़ा तलिए, और मैं तल रहा तो भैया ने यहाँ पे पकौड़ा तलने का सेटअप लगा लिया है, वो भी स्पेशल टाइप का पकौड़ा है, स्पाइरल पोटैटो का। और भैया टाइमिंग क्या है इस स्टॉल की? हमारी टाइमिंग है शाम 5 बजे से रात 11 बजे। ओके, वो है इन फ्रंट ऑफ 929 मॉल सुपर मार्केट। वैसे ये टेस्ट है पुणे वाला, लेकिन रेट है मुजफ्फरपुर वाला, तो आपको जरूर आना चाहिए यहाँ पे, है ना? अच्छा है, मतलब यहाँ के अकॉर्डिंग तो काफी अच्छा है, जैसे मुजफ्फरपुर में कहीं नहीं मिलता, उसके अकॉर्डिंग सही है। लोगों को आना चाहिए, सही है, लोगों को आना चाहिए। हाँ, ट्राई कर सकते हैं, अच्छा है। सो गाइज, यहाँ पे हमने ऑर्डर कर लिया था स्पाइरल पोटैटो विद चीज। सो यहाँ पे आ चुका है, सो फाइनली चलिए अब इसको टेस्ट करते हैं। काफ़ी टेस्टी, काफ़ी यम्मी, क्रिस्पी और क्रंची है। जो राज है ना, जैसा कि इन्होंने बताया
कि माँ के हाथ के बना हुआ चटनी, तो फिर टेस्ट को क्रिटिसाइज करना मेरे हिसाब से लग रहा है कि वो हो ही नहीं सकता है। सो आप लोग भी आइए और यहाँ पे टेस्ट करिए एकदम। अगर मुझे मार्क्स देने होंगे ना तो 5 out of 5 मैं दूंगा। सो आप लोग भी आइए और टेस्ट करिए। मुझको तो बर्बाद किया है और किसे बर्बाद करोगे। गाइस स्पाइरल पोटैटो के बगल में ही ये भैया है चाय वाले, जो कि यहाँ पे तंदूरी चाय बनाते हैं। और ये नॉर्मल चाय वाले नहीं है, ये काफ़ी अच्छा एक बेहतरीन सिंगर है जैसा कि अभी आपने सुना, और बहुत ही अच्छा गाते हैं। तो आपके लिए कितना अच्छा सेटअप यहाँ पे मिलेगा, एक तरफ स्नैक्स और साथ में चाय, क्या बात है भाई। भैया यहाँ पे जो कि अभी यहाँ पे टेस्ट करा इन्होंने, कौन सा क्या टेस्ट करा अभी आपने, कौन सा नॉर्मल यूज किया? टेस्ट बहुत अच्छा लगा, और साथ ही मेरा भाई भी आया था सानू शर्मा रहा कैमरे के सामने आने में, लेकिन सर जो टेस्ट बहुत लाजवाब था, साथ ही साथ मैंने 2 पैक भी कराए। सो गाइस काफी मजा आया यहाँ पे स्पाइरल पोटैटो पे आकर के, यहाँ पे हमने टेस्ट करा, काफी औसम सा टेस्ट था, क्रिस्पी एंड क्रंची, काफी बढ़िया टेस्ट था। और ये अपने शहर मुजफ्फरपुर में ना फर्स्ट स्टॉल लगा है, जो कि मिठनपुरा रोड में 9 सुपर मार्केट के जस्ट अपोजिट साइड में आपको देखेंगे, तो इस तरीके का सेटअप आपको दिख जाएगा स्पाइरल पोटैटो का। सो आप लोग भी आइए यहाँ पे टेस्ट करिए, एंड ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, तो शेयर कर दीजिए उन लोगों को जो इस टाइप के सेटअप पे आना चाहते हैं और स्पाइरल पोटैटो का मजा लेना चाहते हैं। क्योंकि अपने शहर मुजफ्फरपुर में इस तरीके का फर्स्ट सेटअप आ चुका है, सो आप लोग भी आइए और इन्जॉय करिए। सो आई होप यू लाइक दिस ब्लॉग, इफ यू लाइक दैट हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियोज। Thanks for watching. See you in the next vlog.